गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं हूँ नगाव डिस्ट्रिक्ट में सिलघाट टाउन में। तो यहाँ पर आपको हम क्या दिखाएंगे, तो मेरा यहाँ दीदी के घर है, यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर है एक प्रसिद्ध मंदिर, शिव जी का मंदिर जिसका नाम है त्रिशूलधारी टेम्पल। तो ब्रह्मपुत्र रिवर के पास में नदी के किनारे वो टेम्पल है, तो वहाँ पर आपको आज लेके चलेंगे। और आज हमारे साथ है मेरे भांजा निवेद, तो आगे तो ये आज दिखाएगा हम सबको त्रिशूलधारी मंदिर। और क्या क्या दिखाओगे? और साथ में हम वहाँ पर नदी के पास में जाएंगे। हाँ, शिव तो देखेंगे, देखिए बैक साइड में नदी है, और साथ में कामाख्या मंदिर में भी जाएंगे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हमारा जर्नी, दिखाते हैं आपको बाकी नजारा। देखिए बैक साइड में है ब्रह्मपुत्र रिवर और पीछे देखिए ये है पहाड़, ये रोड बहुत ही मस्त लग रहा है। तो सीधा चलते हैं मंदिर की तरफ, बाकी रास्ते का जो नजारा है वो दिखाएगा ये बंदा, तो हमारा भंजा वीडियो करेगा। हम बाइक लेके आए हैं, तो चलते हैं हम सीधा यहाँ से मंदिर की तरफ। तो चलो चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नदी कितना पास आ चुका है, पहले वो बहुत दूर था, अब बहुत पास आ चुका है नदी। यहाँ पर बहुत ही तेज हवा है, नदी से आ रहा है एकदम, है ना? हाँ, नदी से आ रही है। नदी में पानी भी बहुत ज्यादा है और बीच में, नदी के बीच में देखिए छोटे छोटे आइलैंड्स बन चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए छोटे छोटे नदी के बीच में भी ये जो रास्ता था, हाँ, जंगल के बीच से छोटा सा रास्ता था। हाँ हाँ, पहले ये यहाँ पर ये सीमेंट का भी नहीं था, पहले ये ज्यादा हो गए तो पहले तो यहाँ पर आने के लिए भी डर लगता था ना, है ना? और पहले लगते साइकिल से भी आते थे पहले, अभी यहाँ पर रास्ता बहुत अच्छा हो गया। और यहाँ पर क्या क्या, क्या, क्या निकलता है वो ये भी बोलो। दोनों हाथ से पकड़ो। और यहाँ पर ये क्या बनाया हुआ है? यहाँ पर ये है एक छोटा सा रेस्टिंग एरिया, अगर आप पैदल आए हैं यहाँ पर बाइक से आए हैं तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन पैदल आए हैं तो थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। ये तुम्हें नहीं देखा है? बहुत ज्यादा तेज हवा है यहाँ पर, सिर्फ सीधे जाना पड़ेगा। यहाँ पर कार पार्किंग है, अगर कोई तो गाड़ी लेके आता है तो गाड़ी को यहाँ पर पार्क करना पड़ेगा, उसके बाद पैदल ले जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं नजारा नदी के किनारे क्या मस्त लग रहा है। दो पेड़ है यहाँ पर पास में ब्रह्मपुत्र रिवर, तो ये एक पिकनिक स्पॉट है जिसका नाम है सिलघट पिकनिक स्पॉट। तो यहाँ पर लोग आते हैं पिकनिक के टाइम पे पिकनिक खाने के लिए, तो बहुत ही मस्त एरिया है। तो यहाँ से सीधा आगे जाना पड़ेगा, ये है रास्ते से हमको आगे, और तो वहाँ पर हमको मिलेगा मंदिर। और गाड़ी वगैरह जो है वहाँ पर मंदिर की तरफ ही जा रहे हैं, और यहाँ पर हवा भी बहुत तेज आ रहा है इसलिए आवाज सही नहीं होगा शायद, इसलिए सॉरी। तो मंदिर की तरफ चलते, तब तक आप क्या करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। तो चलो बाकी आपको दिखाते हैं।
देखो गाइस, देख सकते हो यहाँ पर एक छोटा सा नदी है, नदी के पास एक बड़ा सा पत्थर और पत्थर के पास एक त्रिशूल और एक छोटा सा शिवलिंग। तो बाकी नजारा देखिए गाइस, कैसा नजारा है, बहुत अच्छा है। और वहाँ पर देखिए गाइस, छोटे छोटे आइलैंड बन गए हैं, यहाँ पर नदी पास आ गए तो नदी लोग यहाँ पर आते हैं मछली वगैरह पकड़ने के लिए। और पत्थर देखिए, बहुत सारा पत्थर है, एकदम बड़ा बड़ा सा पत्थर है, यहाँ पर देख सकते हैं। एक छोटा सा नाव भी है और मंदिर है उस तरफ, कुछ गुफा बड़ा सा पत्थर है उसके नीचे है गुफा, तो गुफा के अंदर है मंदिर, वहाँ पर भी जाएंगे। अभी थोड़ा लोग है तो पूरे पूजा वगैरह कर लें, उसके बाद हम वहाँ पर वीडियो बनाएंगे। लोग ज़्यादा होने पर मंदिर बहुत ही छोटा है, गुफा तो दिक्कत होता है वीडियो वगैरह बनाने के लिए, या तो मस्त हवा खा लेते हैं उसके बाद अंदर की तरफ चलते हैं, है ना। हवा भी बहुत तेज है, अपन कपड़े को दिखा सकते हैं, देखिए इतनी तेज हवा है। तो तब तक के लिए हम थंबनेल वगैरह क्लिक कर लेते हैं। चलो हम आ चुके हैं मंदिर के गेट के अंदर, तो बजाओ इसको, शाबाश। तो चलो मंदिर के अंदर की तरफ चलते, तो दिखाओ क्या क्या है। यहाँ पर एक शिवलिंग है, ये है बड़ा सा पत्थर जिसके अंदर है मंदिर गुफा वगैरह है, और बताओ क्या क्या है बताओ। यहाँ पर एक नाग भी है यार, पैसा डालो। चलो ओम नमः शिवाय। तो यहाँ पर भी है एक बड़ा सा नाग, गणेश जी का मूर्ति है, एक छोटा सा शिवलिंग भी है, और ये पूरा बहुत ही बड़ा सा पत्थर है, पत्थर के नीचे गुफा में मंदिर है। और यहाँ पर एक आप देख सकते हो स्पाइडर भी है, इसको मकड़ी बोल सकते हो, देख सकते ही है। तो चलो चलो बेटा अंदर की तरफ चलते हैं, तो चलो अंदर देखते। देखिए हम गुफा के अंदर आ चुके हैं, चलो हम पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर से यहाँ से भी थोड़ा सा रास्ता जो है अंदर की तरफ चलता है, तो आगे जाकर खत्म हो जाता है, वहाँ पर थोड़ा सा जंगल जैसा एरिया है। तो अब हम चलेंगे घर की तरफ, और कुछ है तो आपको दिखाएंगे बाकी रास्ते पे। तो मंदिर का तो कंप्लीट हो गया हमारा, तो चलते चलो गाइस। हम मंदिर से वापस आ चुके हैं, अभी हम जाएंगे कामाख्या मंदिर में, और यहाँ पर कुछ लोग मछली भी पकड़ रहे हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए मछली पे कर रहे हैं यहाँ पर, और बहुत सुंदर नजारा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं लोग साइकिलिंग भी कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक तरफ पहाड़, एक तरफ नदी, ये बीच में रास्ता है, रास्ते के एकदम किनारे तक आ गया है नदी, देख सकते हैं। यहाँ पर लोग मछली पकड़ रहे हैं, कितने लोग पकड़ रहे, दो लोग, और दिखाता हूँ आपको पास से, देखिए उनके सब पकड़ रहे हैं मछली। और ये पत्थर देखिए बड़ा सा, इतना आराम से वहाँ पर बैठ भी सकते हैं, आराम से बैठ के आप कर सकते हैं, वहाँ पर इतना बड़ा पत्थर है, वो फ्लैट है ऊपर से। वहाँ बैठोगे कैसे, जाओगे कैसे, ये बता दो मुझे, साइड से नहीं, कैसे जाओगे उसके ऊपर। और यहाँ पर दोनों पैर, दो पैर है एकदम आसपास। कैसे पता कि ये दो पैर है, एक भी तो हो सकता है। नहीं दो पैर है। कैसे पता चला, नीचे तो जॉइन है। वो तो दोनों दो जॉइन हो गए, इसीलिए पहले दो थे। अच्छा किसने बोला पहले दो था, देख के ही पता चलता है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, वी शेप का। तो अभी चलते हैं सीधे वहाँ पर मंदिर में। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं वहाँ से भीमधारी के रास्ते में से, यहाँ पर जूत मिल है यहाँ पर, तो देख सकते हैं ये है असम का ओनली एंड वन जूत मिल। तो असम में सिर्फ एक ही जूत मिल है, और वो है ये? हाँ, इसीलिए सिलघट जो है एरिया फेमस है जूत मिल के लिए। हाँ? ये देख सकते हैं, ये है जूत मिल, अच्छे हाँ, से दिखाओ। हाँ ये है इसका मेन गेट, ये एटीएम भी है यहाँ पर भी, और यहाँ पर देखिए इस किनारे में हम आए हैं घूमने। तो आज हम नदी के किनारे जाएंगे, इस किनारे में देखेंगे क्या क्या है। हाँ,
और यहाँ पर मशीन्स भी आए हुए हैं। काफी मशीन वगैरह चला गया कल जो देखा था। हाँ, कल हमने आते वक्त देखा था बहुत सारे बड़े बड़े मशीन्स थे। अभी चले गए ट्रक्स लेकर, ट्रक्स भी बहुत बड़े बड़े थे, देख सकते हैं। यहाँ पर सिख के आने के लिए ये रास्ता बनाया हुआ है जेसीबी से खोद कर। अच्छा, यहाँ से आता है ना? हाँ, यहाँ से ट्रक जाते हैं और मशीन को लेकर आते हैं। और देखिए एक छोटा सा सिख यहाँ पर है, छोटा सा ट्रक पास जाकर हम देखते हैं उसको। पास आ चुके हैं एकदम, एक बार रुक के आपको मैं दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ज्यादा छोटा भी नहीं है, और यही है बोले तो। और ये मार्क है, इसके आगे नहीं जाना है। इसके आगे ये मिट्टी नदी के साथ बह सकती है, नदी ले जा सकती है, तो इसके आगे नहीं जाएंगे। देखिए आप यहाँ पर, और ब्रिज भी है, नीचे नीचे जाकर देख सकते हैं। जाए क्या नीचे? नहीं, नहीं। अभी नहीं। लोग आते हैं और छोटा सा ब्रिज है, इससे आप नीचे जा सकते हैं शिप तक। शिप से जुड़ा हुआ है ये ब्रिज। हवा बहुत तेज है, तो गाइस ये जो नदी है पहले थोड़ा सा दूर में हुआ करता था, बट अब बहुत पास आ गया। जमीन को खोद खोद कर बहुत पास आ चुका है अब, पहले बहुत दूर था। ये जो एरिया है, ग्राउंड एरिया बहुत ज्यादा बड़ा था, अब छोटा हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे ये तो आपको दिखाई दे। इसके बाद हमारा प्लान है, एक पास में पहाड़ में कामाख्या मंदिर भी है, वहाँ पर भी जाएंगे, आपको दिखाते हैं। चलिए मंदिर की तरफ चलते हैं। अभी हम कामाख्या मंदिर के मेन गेट के पास आ गए हैं। ये देख सकते हैं जूट मिल का ये एक दुकान है, जूट बैग्स का। और यहाँ पर मेरे पापा भी है, ऐसे आज चल रहे हैं ना, तो ऐसे वो आ गए के लिए काम। और देख सकते हैं अलग अलग टाइप के बैग्स है यहाँ पर। हेलो, और अभी आप जाएंगे मेन गेट की तरफ। यहाँ पर दिया या धूप ये सब खरीद सकते हैं। और ये देखिए मेन गेट, आते समय भी आपको दिखाएंगे। जा रहे हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पर रास्ता सही है ना? हाँ, सीढ़ी से भी जा सकते हैं, ये है बाइक या कार के लिए। हाँ। तो हम डायरेक्ट बाइक लेके चलेंगे, और पेट्रोल तो ज्यादा नहीं है बाइक में, कैसे चलेंगे पता नहीं। इसी तरह जा रहे हैं बाइक, किसी की तरह जा रहा है, पेट्रोल बहुत कम है। चलो पेट्रोल, थोड़ा सा पेट्रोल है, पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं। चले जाएंगे आराम से, जाएंगे, मस्त एरिया है, दिखाओ सभी लोगों को। ये देखिए नदी का किनारे था, अब हम पहाड़ के ऊपर हैं। और यहाँ पर टी गार्डन, यहाँ पर टी गार्डन भी है। व्यू पॉइंट है, यहाँ से दिखाएंगे ना। मंदिर पहुँच गया क्या? नहीं, तो मैं मंदिर, ये रास्ता हमें पैदल चलना पड़ेगा। ये अच्छा, आगे भी तो रोक सकते हैं ना बाइक को? अरे अभी रख दो। चलो तुम पैदल दिखाओ, टी गार्डन वगैरह दिखाओ। हम, मुझे आंखों से तो दिख रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पर आ गया है, पूरा 10x जूम कर दिया है मैंने। देखिए फुल जूम, इससे ज्यादा जूम नहीं होगा। देखिए देखिए, और मुझे अभी भाग के जाना पड़ेगा मामा के पास, मंदिर का, श्री श्री कामाख्या देवालय लिखा हुआ है। तो फिर अभी ऊपर चलते हैं, इससे पहले थोड़ा सा आपको नजारा दिखा देते हैं। यहाँ से पैदल आ सकते हैं, और यहाँ पर पहले ये एक पार्क था, अभी पार्क इसको तोड़ दिया है। और देखिए वहाँ पर रेस्टिंग एरिया भी है, ये सीढ़ी बहुत लंबी है ना, तो आप बीच में आप रेस्टिंग कर सकते हो, बीच में वो रेस्टिंग एरिया है मंदिर के अंदर। हाँ, मेन मंदिर। तो गाइस ये है कामाख्या मंदिर का गेट, तो सीढ़ियों से हम अंदर की तरफ चल रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर हर एक सीढ़ी पे ये हाँ, टीका लगा हुआ है हर एक सीढ़ी पे। तो बहुत दिन पहले मैं यहाँ पर आया था, तो आज बहुत दिनों के बाद में आया, एक साल नहीं बहुत साल, चार पांच साल पहले ही आया था, तब ये रास्ता भी नहीं हुआ करता था। तो हम अंदर की तरफ चलते हैं।
चलो अंदर की तरफ चलते हैं, पहले पैर धो लेते हैं। कहाँ पर है? चलो आओ, धोते हैं पैर। चलो चलो अंदर। तो मेन टेम्पल तो अंदर है बट बंद है अभी, आज बंद कर दिया है अभी। तो कोई नहीं, बाकी यहाँ पर देख सकते हैं और बाहर की तरफ जाकर देखते हैं। चलो और ये टी के जो पेड़ है छोटे छोटे, आप देखिए पास से कितने लगते हैं चाय के पत्ते। ये तो देखो गाइस, चारों तरफ चाय की पत्तियां, चाय के बगीचे, सबसे छोटा इसका ये पत्ता है, इन्हीं पत्तियों से चाय बनता है। अब शायद और कुछ नहीं बचा है, शायद यहाँ से हम घर की तरफ जाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा फोटो वगैरह शूट कर लेते हैं। बड़ा बड़ा पेड़ है, देख सकते हैं चाय के बगान के बीच में। ये जो बड़ा बड़ा पेड़ है, ये जो चाय के पेड़ है उनको जो छा है वो देते हैं, ताकि पास जो है धूप में सूख ना जाए, इसलिए कुछ फोटो वगैरह शूट कर लेते हैं ना।